हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज के वीडियो में करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फोर क्लास सिक्स साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है, जो आपके लिए 12 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट का टॉपिक रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो लेट्स स्टार्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच। तो आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज करना है। फर्स्ट दिया गया है रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो बच्चों रिकेट्स जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से कॉज होता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं प्रोटीन, विटामिन डी, आयोडीन एंड विटामिन ए। तो रिकेट्स जो है किसकी कमी से होता है बेटा, रिकेट्स है हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी से होता है। तो ए जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर। तो वाटर जो हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है, ए ऑप्शन दिया गया है बिल्डिंग बॉन्ड्स, बी प्रॉपर विजन, सी स्किन एंड डी ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस इन द बॉडी। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। वाटर जो है हमारी बॉडी में जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, व्हेन द पेपर रैपिंग ऑफ फूड आइटम बिकम ग्रीजी एंड ट्रांसल्यूसेंट दिस मीन्स दैट द फूड कंटेन। तो उस फूड में क्या होता है, जब हम पेपर के अंदर फूड रैप करते हैं बच्चों, तो वो ग्रीजी हो जाता है, चिकना हो जाता है एंड ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, जिसमें हमें प्रॉपर आर पार दिखाई नहीं देता, ट्रांसल्यूसेंट पेपर हो जाता है। इट मीन्स फूड के अंदर क्या है, फूड के अंदर प्रोटीन है, शुगर है, आयरन है या फैट है। तो प्रोटीन के जो है उसमें क्या होता है, उस जिसके कारण वो चिकना हो जाता है उसमें फैट होता है। तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर फोर, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो किसका सोर्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और फैट। सही आंसर क्या हो जाएगा, सो जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो विटामिन के सोर्स होते हैं। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण कॉज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, बी, सी और डी। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होती है, विटामिन ए के कारण। नंबर सिक्स देखिए, ईटिंग लॉस ऑफ फास्ट फूड लाइक बर्गर, नूडल्स एट्सेट्रा कॉज। तो जो है फास्ट फूड हम बर्गर नूडल्स खाते हैं, तो वो हमें क्या कॉज करता है, गॉइटर, रिकेट्स, स्कर्वी एंड ओबेसिटी। तो क्या कॉज करते हैं बेटा, ये हमारी बॉडी में ओबेसिटी जो है वो मोटापा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके आंसर हो जाएंगे। एक बार फिर से जो है देख लेते हैं, रिकेट्स क्या कॉज करता है, रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। वाटर इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब्सटेंस के, पेपर रैपिंग के लिए जब हम करते हैं ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है ड्यू टू फैट, एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, एंड ईटिंग लॉस ऑफ फास्ट फूड लाइक बर्गर कॉज ओबेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द गिवन एनालॉगी। तो इसमें क्या दिया गया है, जैसे नंबर आठ है ये, बटर का रिलेशन जैसे फैट से है, तो बटर के अंदर क्या होती है, बटर के अंदर फैट होती है, उसी तरह वेजिटेबल का रिलेशन किससे होगा। जिस तरह बटर का रिलेशन फैट से है, वेजिटेबल का रिलेशन जो है वो किससे होगा, वेजिटेबल्स का रिलेशन विटामिन से होगा। ओके, विटामिन। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन का रिलेशन ग्रोथ से है, तो विटामिन का रिलेशन जो है वो किससे होगा। सो बेटा इसमें करेंगे हम, विटामिन जो है वो क्या करते हैं, इट इंक्रीज इम्यूनिटी। क्या करते हैं हमारी बॉडी में, इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो वेजिटेबल में क्या था, वेजिटेबल में विटामिन आएगा। नेक्स्ट है आयोडीन, आयोडीन का रिलेशन जैसे गॉइटर से है, ठीक है, आयोडीन की कमी से गॉइटर रोग हो जाता है, गॉइटर डिजीज। सो आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया, आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाता है। ओके, एनीमिया। नेक्स्ट देखिए, मरास्मस जो है, मरास्मस किसके कारण होता है, इसका रिलेशन किससे है, प्रोटीन से है। ठीक है, तो सकर्वी जो है वो किससे होगा, दैट इज़ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमारी जो है सकर्वी रोग, जो डिजीज़ है वो हो जाती है। तो ये आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू द चिल्ड्रन नीड टू हैव मोर प्रोटीन। चिल्ड्रंस को ज़्यादा प्रोटीन क्यों चाहिए, क्योंकि बेटा चिल्ड्रंस की बॉडी ग्रो करती है, और प्रोटीन वो बिल्डिंग ब्लॉक फूड है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, हमारी बॉडी ये जो टिश्यू रिपेयर जो है उनको करता है, जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं उनको ये ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक, तो इन सब के लिए जो है ग्रोइंग चिल्ड्रन जो उनको क्या चाहिए, उनको प्रोटीन जो है वो चाहिए। सही बेटा करते हैं इसका आंसर। सो इसमें आप लिखेंगे, प्रोटीन्स क्यों बॉडी के लिए ज़रूरी है, ग्रोइंग किड्स नीड्स प्रोटीन टू हेल्प देम बिल्ड एंड रिपेयर सेल्स, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। प्रोटीन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है बेटा, इसीलिए ग्रोइंग किड्स के लिए प्रोटीन चाहिए,
उनकी जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए, एंजाइम्स फॉर्मेशन के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए, सो इट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो है बेटा आपकी आज की हो गई वर्कशीट, एंड आई होप आपको वर्कशीट जो है अच्छी लगी, समझ आई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।